अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। जी आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त को हम बहुत जोशो-खरोश से मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था और हम अपने घरों को भी बहुत खूबसूरती से सजाते हैं। जी बेटा, आपको पता है कि पाकिस्तान बनने से पहले मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रहते थे, लेकिन वो आपस में खुश ना थे, क्योंकि मुसलमानों के और हिंदुओं के रस्म और रिवाज और खाने पीने के आदात बहुत मुख्तलिफ थे, और मुसलमान चाहते थे कि वो ऐसा मुल्क में रहें जहां वो आज़ादी की सांस ले सकें और अपने इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। तो इसके लिए इलामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, और वो हमारे कौमी शायर भी हैं। और इलामा इकबाल का ख्वाब कायदे आजम ने पूरा किया और सख्त मेहनत के बाद पाकिस्तान बनाया। को पता है कि पाकिस्तान बनाने के लिए लाखों मुसलमानों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी और अपने घर बार भी खो दिए, और अल्लाह का शुक्र है कि हम आज आजादी की सरजमीन पर सांस ले रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि इस दिन को बहुत जोशो-खरोश से मनाएं और अपने पाकिस्तान की कदर करें, और जो भी झंडियां हम यहाँ लगाएं उनको गिरने मत दें, और उनको आज़ादी का दिन ख़त्म होने के बाद नहायत एहतियात से संभाल के रखें। बल्कि आपको चाहिए कि इस दिन हर कोई अपने नाम का एक एक पौधा लगाए, ताकि हमारा मुल्क पाकिस्तान सरसब्ज और हरा भरा रहे। खुदा करे कि मेरे अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो, यहाँ जो फूल खिले वो खिले रहे सदियों, यहाँ खिजा को भी गुजरने की मचाल ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।